तो आज डीएमके को और समाजवादी पार्टी को विश्वनाथ प्रताप सिंह, जी हाँ स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के, वो अचानक ही याद आ गए। जी हाँ, कई दशकों के बाद अब वीपी सिंह की याद उन तमाम पार्टियों को आने लगी है जो मंडल की राजनीति के पुरोधा है। वीपी सिंह की शायद ही आपने कहीं आदमकद प्रतिमा बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत के राज्यों में आपने देखी हो, लेकिन वीपी सिंह एक मसीहा के तौर पर उनकी प्रतिमा आज चेन्नई में लगाई गई। मौके पर मौजूद थे अखिलेश यादव। तो आखिर क्या वजह है कि कई दशकों के बाद आखिर वीपी सिंह मंडल की राजनीति करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें याद आ रहे हैं या अब उनके आइकॉन बन रहे हैं? दरअसल कमंडल की राजनीति ने देश में कुछ इस तरीके से जोर पकड़ा हुआ है। कमंडल की राजनीति यानी हिंदुत्व की राजनीति ने कुछ इस तरीके से बीजेपी को शीर्ष तक पहुंचा रखा है कि अब देश की तमाम ऐसी पार्टियां जो कमंडल की काट मंडल से ढूंढती थी, अब वो उन आइकॉन्स को ढूंढकर सामने ला रही हैं जिन्होंने कभी हिंदुत्व के काट के लिए आरक्षण का जो फॉर्मूला है वो ढूंढा था, और ये सबसे पहले प्रयोग किया था वीपी सिंह ने। जी हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस की गोद से निकले थे, लेकिन वो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा बनकर तब उभरे जब उन्होंने प्रधानमंत्री रहते मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तब आरक्षण विरोधी जो आंदोलन है वो देश भर में फैला। कई छात्रों ने बकायदा आत्मदाह करने की कोशिश भी की और उसके बाद ये जो पूरा आंदोलन था ये इसने एक नई शक्ल ले ली। अब जबकि इतने दशकों के बाद सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें बीजेपी का सीधा खतरा दिखाई दे रहा है, अब एक बार फिर कमंडल के सामने मंडल को करने की कोशिश हुई, क्योंकि मंडल की राजनीति सीधे सीधे विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह से जुड़ती है। और लोगों को वीपी सिंह का वो दौर याद आता है जब उन्होंने एक झटके में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थी, और उसके बाद तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, ऐसे जगहों पर जो भी मंडल की राजनीति करने वाले दल हैं उनकी जो सत्ता आई वो लगभग आज तक कायम रही। बिहार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी चाहे मुलायम सिंह हो चाहे मायावती हो, उनकी सत्ता लंबे समय तक रही। अब जबकि बीजेपी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, एक बार फिर कमंडल के काट में मंडल को उतारा जा रहा है, और उन्हें लगता है कि आरक्षण की जो पॉलिटिक्स है, आरक्षण की जो बात है, उसे जब तक वापस नहीं लाया जाएगा बीजेपी को जमीन पर हराना मुश्किल होगा। और यही वजह है कि पहले जातिगत जनगणना और उसके बाद जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस स्लोगन के साथ अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अगर आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात की जाए, अगर नौकरियों में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की जाए, जातिगत जनगणना की बात की जाए, तो वीपी सिंह से बड़ा चेहरा कम से कम इस दौर में और कोई नहीं होगा। इसलिए वीपी सिंह को एक बार फिर एक आइकॉन के तौर पर अब सामने लाया जा रहा है, क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिशें उन्होंने ही लागू की। आज अखिलेश यादव इस मौके पर चेन्नई में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सचमुच इस नई मंडल की पॉलिटिक्स को परिभाषित कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सदियों से वो लोग खुद दबे कुचले और पीड़ित रहे हैं, लेकिन जब ये आरक्षण का आंदोलन चला और कई छात्रों ने खुद को खुद आत्मदाह करने की कोशिश की थी, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो दर्द जानते हैं कि पीढ़ियों तक दबाए जाने का दर्द क्या होता है।
आप सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो जो लोगों ने कभी अपनी जान दे दी, आज 10% EWS आरक्षण को भी मांगने में सबसे आगे थे। तो कभी जो लोग हमें और आपको हिस्सा देने के लिए अपने आप को खत्म कर रहे थे, उस समय के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई, उनको न जाने किन किन बातों से कहा गया, क्या क्या उस समय के लीडर्स को कहा गया, वही लोग आज EWS के बहाने 10% का आरक्षण ले रहे हैं। लेकिन हमने और आप में से किसी का विरोध नहीं किया, और इसलिए नहीं विरोध किया क्योंकि हम जानते हैं कि हजारों साल से जो चीजें हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। अखिलेश यादव ने अपने दर्द की बात कही और साथ साथ ये भी इशारा किया कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार अब सरकारी नौकरियों को भी निजी तौर पर सरकारी नौकरियों का भी निजीकरण कर रही है, यानी कि अब नौकरियां ठेके पर आ रही है। सुनिए अखिलेश यादव। अभी यही खत्म नहीं हुआ सिलसिला, कास्ट सेंसस है, कास्ट सेंसस के साथ साथ हमें कैसे बराबर खड़ा किया जाए, और जो दिल्ली की सरकारें हैं जिन्होंने हमें और आपको कभी अधिकार नहीं दिया, वो अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो सोचिए जिस लेगेसी को हम लेकर के जा रहे हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने हक और सम्मान दिलाया है, अगर ये चीजें प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी तो शायद हमारा वो सपना अधूरा रह जाएगा। हमारी आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो बीजेपी के इस काट के लिए, यानी कि बीजेपी के जो उनके आइकॉन्स रहे हैं, अब उनके सामने वीपी सिंह की को आइकॉन के तौर पर खड़ा किया जाएगा। आने वाले वक्त में आपको वीपी सिंह कई जगहों पर उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जा सकती है, क्योंकि वीपी सिंह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आरक्षण में और खास करके सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर पर उनकी पहचान रही है। आपको बता दें कि कभी वीपी सिंह की मुलायम सिंह यादव से नहीं बनी, यानी कि मुलायम सिंह यादव और वीपी सिंह एक दूसरे के धुर विरोधी रहे सियासी तौर पर। वीपी सिंह का दक्षिण भारत में उनकी फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन विडंबना देखिए कि उनकी पहली, या यूं कहें उनकी जो कुछ आदमकद प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं उसमें अगर सबसे बड़े स्तर पर हो रही हैं तो वो चेन्नई में, जहां उनकी फॉलोइंग नहीं के बराबर थी। और उनके साथ आने वाले अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी की पॉलिटिक्स से हमेशा वीपी सिंह ने खुद को अलग रखा, लेकिन वैचारिक तौर पर शायद ये सब एक रहे।